तो प्यारे बच्चों, अभी आपने खगोलीय दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता का व्यंजक सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, बना लिया है और सीख लिया है। तो एक बात और बता रहा हूं आपको कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता का जो व्यंजक प्राप्त किया है उसका चित्र, उस चित्र की कम से कम 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 3 बार 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 बनाइए, तब आपके हाथ में आएगा। इसमें एक बात ध्यान रखना है, खगोल दूरदर्शी में जो अल्फा कोण बनाते हैं वो कम से कम बनाइए ताकि अभिदृश्यक लेंस छोटा बन सके, इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी में एक टॉपिक आता है सामान्य समायोजन। सामान्य समायोजन क्या होता है वो हमको समझना है, जनरल एडजस्टमेंट। तो सामान्य समायोजन किसे कहते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी में जब प्रतिबिंब अनंत ताप पर बनता है, अनंत ताप पर प्रतिबिंब बनने के लिए अभिदृश्यक और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी इस प्रकार रखी जाती है कि अभिदृश्यक से बना प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के फोकस पर बने। हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि अभिदृश्यक से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अभिनेत्र लेंस के फोकस पर बने। इस अरेंजमेंट को, इस एडजस्टमेंट को, इस समायोजन को सामान्य समायोजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बार बार क्वेश्चन आता है आंकड़े सवालों में से कि दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दूरदर्शी सामान्य समायोजन में है। तो सामान्य समायोजन का मतलब समझ में आ गया कि अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा है। एक और दूसरे पे में आता है कि जब आंख श्रांत नेत्र के लिए, यानी अंतिम प्रतिबिंब श्रांत नेत्र का मतलब हो गया जब हमें क्या कहते हैं अंतिम प्रतिबिंब अनंत ताप पर बने, उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है। तो इस कंडीशन समझ में आ गया सामान्य समायोजन। अब सामान्य समायोजन की स्थिति में दूरदर्शी के अभिनेत्र लेंस, जो आई लेंस होता है नेत्र का होती है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, यानी एम एम बराबर 1 + d/FE। ये भी आपको याद रखना है इस कंडीशन में 1 + d/FE। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि दूरदर्शी की अभिनेत्र लेंस की, अभिनेत्र नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता एम ई बराबर इसमें अंतिम प्रतिबिंब, जो अभिनेत्र ने प्रतिबिंब बनाया है, अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हमने H2 लिखा है नोट्स में, और बटे अपॉन अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई H1। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं H2/H1। दोनों ही सूत्र, दोनों ही फॉर्मूले अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता के लिए हैं जबकि दूरदर्शी सामान्य समायोजन में हो। आप दोनों को आपस में बराबर करके H2/H1 और इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इसको फर्स्ट को सेकेंड मान लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड H2/H1 बराबर 1 + d/FE। इससे आप लोग उसको निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है। इसके बाद हम लोग अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि परावर्ती दूरदर्शी। अभी जो आपने पढ़ा था खगोलीय दूरदर्शी और वास्तविकता में अपवर्ती दूरदर्शी है, इसको अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं। अब ये क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, परावर्ती दूरदर्शी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, परावर्ती दूरदर्शी। सभी सभी प्रकाशक यंत्र का एक ही काम है, दर्शन कोण को बढ़ाना। तो यहां पर भी यही है। तो इस दूरदर्शी के अंदर क्या होता है, एक बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण यूज करते M1। इसका द्वारक यानी इसका एपर्चर काफी बड़ा होता है, जिसे अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। अब इसके मुख्य अक्ष पर, इसका मुख्य अक्ष यह है, मुख्य अक्ष पर 45 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण M2 रखा होता है, ठीक है। और उसके बाद उसके साइड में एक पतली नली होती है जिसमें छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का अवरोधक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं, यानी कि आई लेंस कहते हैं। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है आप देख सकते हैं। ये वस्तु दूर, दूर की वस्तु ए भी है, हम इसको ए भी मान सकते हैं। ये वस्तु ए भी है,
जो काफी दूरी पर रखी हुई है, उस दूर वस्तु से जिस समांतर किरणें आ रही हैं, दूर से हमेशा समांतर किरण आती हैं, वह अवतल दर्पण पर टकराती हैं। टकराने के बाद इसका परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होता है तो दोनों किरणें मिलने से पहले ही एक समतल दर्पण बीच में रखा 40 डिग्री एंगल पर वहां टकराती हैं, वहां से फिर रिफ्लेक्शन होता है, फिर परावर्तन होता है। तो परावर्तन के बाद ये इसका प्रतिबिंब बन जाता है a'b'। ठीक है, यह प्रतिबिंब आई लेंस के लिए वस्तु का काम करता है और उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंतता पर बनता है। तो आप समझ रहे हैं अंतिम जिस चित्र में दिख रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंतता पर। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं खगोलीय दूरदर्शी में कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है उस कंडीशन में आवर्धन क्षमता का सूत्र निकलता है कैपिटल एम बराबर -FO/FE। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। तो आप देख रहे हैं अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना बच्चा, यहां पर अनंतता पर बनना, इंफिनिटी पर बनना है। तो इस प्रकार से परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का यहां पर व्यंजक प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है इससे संबंधित कि आखिर परावर्ती दूरदर्शी क्यों आया। पहले अपवर्ती दूरदर्शी था तो यह मान चलो अपवर्ती दूरदर्शी के बाद जब परावर्ती दूरदर्शी आया तो इसमें कुछ न कुछ अच्छाइयां होंगी। अच्छाइयां क्या हैं अभी हम इसकी चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि अपवर्ती दूरदर्शी में एक बर्ड विपथन का दोष होता है अक्रोमेटिज्म, और इसमें दर्पण का प्रयोग करने से, अवतल दर्पण का प्रयोग करने से यह बर्ड विपथन का दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, देखिए फायदा है। और दूसरा खगोलीय दूरदर्शी से परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, प्रतिबिंब चमकीला बनता है। एक क्वेश्चन आता है कि खगोलीय दूरदर्शी में और परावर्ती दूरदर्शी में क्या अंतर है, यानी परावर्ती दूरदर्शी की क्या विशेषताएं हैं। जब कोई नई चीज आती है तो उसमें अच्छाइयां ज्यादा होती हैं, कमियां कम होती हैं। तो इसमें क्या विशेषताएं हैं, पहली विशेषता यह है कि परावर्ती दूरदर्शी से प्रतिबिंब चमकीला बनता है। दूसरी विशेषता क्या है कि अवतल दर्पण का प्रयोग होने से इसमें बर्ड विपथन का दोष नहीं होता है। और आजकल क्या होता है, इस अवतल दर्पण के स्थान पर परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करते हैं। परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करने से इसमें गोलीय विपथन स्फेरिकल एवरिएशन का दोष भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इन हमको तीन तीन फायदे होते हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। तो अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हैं कि जो परावर्ती दूरदर्शी है, अब एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है कि परावर्ती दूरदर्शी, संसार का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी कहां पर है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है। तो आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के माउंट पालोमर में रखा हुआ है, जिसका अब ये कितना बड़ा है इसका आकार के बारे में बता सकते हैं। इसका जो द्वारक है, अब दृश्यक दर्पण का द्वारक है, अपर्चर है, 200 इंच है, लगभग 5 मीटर का है, इतना बड़ा द्वारक है। तो इस दूरदर्शी से हम सैटेलाइट देख सकते हैं, स्टार्स देख सकते हैं, ग्रह देख सकते हैं, ये सारी चीज देखने के काम आता है। तो इस प्रकार ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो प्यारे बच्चों अब एक बात अंतिम बात बता रहा हूं, चैप्टर का समापन हो रहा है कि इस चैप्टर में आपने खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को व्यंजक प्राप्त किया है आवर्धन क्षमता का, और संयुक्त दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता व्यंजक प्राप्त किया है, परावर्ती दूरदर्शी को हमने बनाया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह है, आपके लिए होमवर्क है कि आप खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, इनके डायग्राम्स को तीन तीन बार बनाएं, तीन तीन बार, तब जाके आपका ये चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो पाएगा। और साथ ही साथ इसके अंकित प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, खगोलीय दूरदर्शी के हैं और सूक्ष्मदर्शी के हैं, उनको आप ट्राई करेंगे तो उससे आप लोग इसको कवर कर लेंगे। प्यारे बच्चों अब आपने देखा हमारे आप YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप लोग एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपको और अच्छी तरह से पढ़ना है तो मेरे WhatsApp नंबर से आप जुड़िए, उस पर क्या होगा आपको डिफरेंट चरणों में आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे यूट्यूब पे तो केवल थ्योरी पढ़ाई जाती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए अगर आपको पूरे चैप्टर को 100% करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको व्हाट्सएप में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, 9412316422,
इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हम आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। तो हम जो किसी भी चैप्टर को है ना चार चरणों में पढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे पीडीएफ फाइल नोट्स आती है व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसको आप अपने रजिस्टर में उतार लेंगे। उसके बाद हमारा ये वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सेकंड चरण में वीडियो आता है। तो दूसरी स्टेज क्या है, आप उसको वीडियो देखेंगे। जब आप कॉपी पे उतार लेंगे तब भी काफी समझ में आ जाएगा, जब आपने वीडियो देख लिया तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा, समझो 80-90% कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके तीसरा स्टेज होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पीडीएफ फाइल अपलोड करते हैं अपने ग्रुप पर, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को शामिल कर उसको किया जाता है। उसको आप करिए, वो करने के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे ग्रुप पर शेयर कीजिए और सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाकर हम ग्रुप में डालते हैं, जिससे थर्ड स्टेज आपकी पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। इसके बाद फोर्थ स्टेज हमारे पास लास्ट है, उसमें आंकिक उदाहरण है और आंकिक प्रश्न है, उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड की जाएगी। आप उसको प्राप्त करें और करने के बाद उसको सॉल्यूशन भेजेंगे, तो आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं और 2021 में बड़े अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ये मेरा वादा है आपसे, आप पूरी पूरी मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।